आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है ये मैसूर बोंडा। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से क्रिस्पी है, और आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह का स्पॉन्ज की तरह का टेक्सचर है, और आपको इसमें धनिया अदरक सभी चीजें आसानी से दिख रही होंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है, नारियल के टेस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है मैसूर बोंडा। और इसके साथ की चटनी भी मैंने यहाँ पर शेयर की है, तो इवनिंग स्नैक हो या टी टाइम स्नैक आप किसी भी टाइम में बना सकते हैं। बारिश के मौसम के लिए भी बहुत बढ़िया है, होली पर भी ट्राई किया जा सकता है अगर आप कुछ यूनिक देख रहे हैं। तो आइए जल्दी से ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दही। मैंने ये सभी जो मेजरमेंट्स हैं ये मेजरिंग कप से लिए हैं, तो ये बिल्कुल ताजी दही है, खट्टा दही नहीं है। सबसे पहले दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो 1 कप दही में मैं यहाँ पर लगभग 3/4 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। 3/4 चम्मच से ज्यादा ऐड ना करें, मीठा सोडा पहले दही में ही ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको दही एकदम झाग झाग जैसा दिख रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा, इसी तरह का रेडी करना है। ये देखिए इसमें छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, 1 कप और 2 कप, इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर जरूरत लगे तो आप 1 से 2 टेबलस्पून दही ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल भी रनी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसे हाथ से फेंट रही हूँ। हाथ से बिल्कुल सही तरीके से पिटता है, हमें बिल्कुल भी पतला बैटर नहीं बनाना है। तो देखिए इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है, तो इसी तरह से आप बड़ा बाउल लें और इसको इस तरह से अच्छे से फेंटें। 1 मिनट फेंटने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक 3/4 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, आप चाहें तो इसे कट करके भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया, 10 से 12 करी पत्ते, करी पत्ते जरूर ऐड करें, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इसको इस तरह से हाथ से तोड़ करके डाल देंगे, आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, बट इस तरह से तोड़ करके डालने से इसके थोड़े से जूसेस रिलीज होते हैं जिससे कि फ्लेवर बढ़ जाता है। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं ये ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना बहुत पतला है। तो अब हम इसमें लास्ट के 2 इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, 1 टीस्पून जीरा और 2 टेबलस्पून ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल। ये हो तो आप ऐड करें, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये हो तो इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसको भी इसके साथ मिक्स करके छोड़ देंगे, लगभग 20 से 25 मिनट के लिए इसे इसी तरह से रख देंगे। जब आप इसे रखें तो उससे पहले इसकी साइड क्लीन कर दें ताकि ये सूखे नहीं जो बैटर है, और इसको कवर करके रखें। तो अब हम इसको ढक देंगे और ढक करके छोड़ देंगे लगभग 20 से 25 मिनट। जब तक मैसूर बोंडा का बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम चटनी बना लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है, इसमें डालेंगे नारियल, ताजा नारियल है ये, जो पानी वाला नारियल मिलता है। ये 1/2 कप नारियल है, आप चाहें तो इसका ये जो पीछे छिलका होता है इसे उतार सकते हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च, लगभग 3 टेबलस्पून भुनी हुई चने की दाल, ये रोस्टेड चना दाल है। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह मूंगफली को भून करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इमली का पल्प, धनिया, ये ताजा हरा धनिया है, अगर आप धनिया अवॉइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और 1/2 छोटा चम्मच जीरा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 3/4 चम्मच नमक, तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर है पिसी हुई चटनी, चटनी पिस करके रेडी है, तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इस चटनी को इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, बोंडा, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम इसको तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें सरसों डाल देंगे या राई या कुछ भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून, गैस बंद कर देंगे इसके क्रैकल होते ही, और इसी के साथ डाल देंगे 1 सूखी हुई लाल मिर्च, जिसको कि मैंने टुकड़ों में कर लिया है, इस तरह से हल्का सा मिला लेंगे, और साथ ही डाल देंगे करी पत्ते, 8 से 10 करी पत्ते यूज किए हैं। तो अब हम इसे तड़के को सीधा चटनी में डाल देंगे। तो देखिए इसको हम चटनी में डाल देंगे, लाल मिर्च की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो चटनी रेडी है, आइए हम बोंडा बना लेंगे। तो इस बैटर को रेस्ट करते हुए 1/2 घंटा हो चुका है,
अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, 2 छोटी चम्मच हल्का गरम तेल। इससे बोंडा अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए किस तरह का बैटर हो गया है। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। जब आप इसे चलाएंगे तो आपको इसमें धागे धागे से जैसा टेक्सचर फील होगा, क्योंकि इसमें जाली बन चुकी है। और देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। तो बॉन्डे को डालने का तरीका ये है कि आप या तो इस तरह से 4 उंगलियों पर थोड़ा सा बैटर लें और उसके बाद इसे इस तरह ऑयल में छोड़ दें, तो उससे बॉन्डे बिल्कुल गोल बनेंगे। और दूसरे तरीके के लिए इसी भी तरह के 2 चम्मच ले लें, दोनों चम्मच को तेल में डिप कर लें, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। 1 चम्मच से बैटर उठाएं और जो दूसरा चम्मच है उसे इस तरह से ड्रॉप कर दें, उससे भी आसानी से बन जाते हैं। तो मैं एक आपको इस तरह से बना करके दिखाऊंगी, बाकी हाथ से बनाऊंगी। तो मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है, मीडियम टू हाई के बीच में है फ्लेम और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम बॉन्डे फ्राई कर लेंगे। तो बोंडा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में पानी ले लिया है और इससे इस तरह से हाथ गीला करके फिर हम बोंडा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह बैटर चिपकेगा भी नहीं और बोंडे आसानी से और अच्छे तरीके से बन जाते हैं इस तरह। और इसको हम ऑयल में छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि बोंडा खुद ही राउंड शेप ले लेगा, बिल्कुल परफेक्ट राउंड बोंडे बनते हैं। ये देखिए एक और मैं डाल करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने हाथ पर इस तरह से बैटर ले लिया है। अब हम इसे अंगूठे की मदद से इस तरह से छोड़ देंगे ऑयल में। देखिए कितना परफेक्ट राउंड बोंडा बना है। इसी तरह से मैं बाकी के बोंडे भी डाल दूंगी। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा कम कर दिया है ताकि इस आंच पर आराम से सिक जाए ये जो बोंडे हैं। तेल ना तो बहुत ज़्यादा तेज गर्म होना चाहिए ना ही कम। और इस तरह से एक एक करके मैं सभी बोंडे इसमें डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो बिना अदरक हरी मिर्च और धनिए के भी आप प्लेन बोंडा बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक जो फ्राई हो गया है मैं उसे निकाल लूंगी पहले, क्योंकि अदरवाइज ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए किस तरह का कलर आ रहा है और किस तरह की शेप आ रही है। देखिए खुद ब खुद पलट रहे हैं, इसका मतलब बोंडे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो ये देखिए बोंडे पर कितना अच्छा कलर आ रहा है और इनको हम पलट देंगे। और जिन पर कलर आ चुका है उनको हम निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल राउंड गोल गोल से बोंडे बने हैं। ध्यान रखें एक बार तेज फ्लेम पर डालने के बाद गैस का फ्लेम है वो कम कर दें, अदरवाइज बोंडे बीच से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम पहले हाई पर था बट अब मैंने बिल्कुल लो पर कर दिया है। देखिए बिल्कुल लो है। एक बैच को सिकने में लगभग 6 से 7 मिनट लग जाते हैं, तो जल्दी ना करें अदरवाइज बोंडे बीच से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए सभी बोंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इन पर अच्छा कलर भी आ गया है, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी राउंड शेप आई है इन पर और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। सभी बोंडे किस तरह से फूल कर रेडी हुए हैं और मैं बाकी के बोंडे भी बना लूंगी। ये देखिए इसी उसी तरह से हम फिर से बोंडे डाल देंगे। 4 उंगलियों पर बैटर लेंगे और इसको इस तरह से अंगूठे की मदद से छोड़ देंगे। बहुत ही आसानी से डल जाते हैं ये जो बोंडे हैं और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती इन्हें बनाने में। अगर आपको फिर भी डर लगता हो या प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से ऑयल में स्पून डिप कर लें और जिस स्पून पर आपने बैटर लिया है वो ऑयल वाले स्पून से इसको इस तरह से डाल दें। तो इस तरह से भी आप बोंडे आराम से बना सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उससे बना सकते हैं। जो भी आप बोंडे डाल रहे हैं उन्हें पलटते रहें और गैस का फ्लेम कम कर दें। तो इनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी जैसे कि फर्स्ट बैच किया है। तो ये देखिए सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। गर्मा गर्म मैसूर बोंडा तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आने वाले त्योहारों में अलग अलग स्नैक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप भी इन स्नैक्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये नई रेसिपीज कैसी लग रही हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म करारे बोंडे हम सर्व कर लेंगे। आप इनकी शेप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बाजार से ला करके खाते हैं। इनको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर बनाई है ये ग्रीन चटनी। तो ये देखिए गर्मा गर्म मैसूर बोंडा और वो भी बिल्कुल ताजी बनी हुई नारियल की हरी चटनी के साथ। आइए जल्दी से मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो मैं एक बोंडा आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से देखिए किस तरह का जालीदार है। आप यहाँ पर इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे, नारियल हरी मिर्च धनिया सब कुछ दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया जालीदार सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह।
और ऊपर से क्रिस्पी हैं, तो एक बोंडा तो ट्राई करना बनता है। तो ये देखिए, इसके लिए लेंगे हरी चटनी, वो भी खूब सारी नारियल वाली। किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा इसे देख करके। तो प्लीज आप इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरी बनाई रेसिपीज में से कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज इंस्टाग्राम पर अपनी पिक जरूर शेयर करें। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय। यम्मी।